हेलो एंड वेलकम टू 36090 प्रोडक्शन। माय नेम इज एबनर डायस। मेरा नाम है एबनर डायस एंड टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बिकॉज वी आर हियर इन नासिक। ट्रस्ट मी, द लैंड दैट इज नोन फॉर इट्स पीपल, द लैंड दैट इज नोन फॉर वेदर, द लैंड दैट इज नोन फॉर ग्रेप्स एंड द लैंड दैट इज नोन फॉर एग्रीकल्चर। टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। यस, दिस प्रोसेस इज ऑल अबाउट वर्म्स। Yes, we are going to separate the bad soil with the good soil and we are going to show you the entire process right here at Param Agro Farms. This content is exclusively sponsored by Everest Fleet and Zaro Clothing. Let's go and check it out. I'm here with the farmers of Nasik, farmers, managers of Param Agro Farms. This is Gorak and this is Saurabh. They're going to take me across and show me the entire process. Saurabh ji, bataiye ye process kya hota hai? First process jo hai wo hai aap cow dung procure karte ho. Cow dung aap laate ho. Fir kya hota hai? Cow dung udhar se utha ke idhar laate hai. Isme niche worms rehte hai. To aap cow dung wahan se laate ho aur yahan pe aap worms ke andar dalte ho. To worm sabse pehle hota hai yahan. Okay? Fir aap mitti dalte ho uspe. Gobar dalte ho. Gobar hi dalte ho. सिर्फ गोबर डालते हो और लाइन से आप गोबर डालते हो यहाँ पर। ओके, फिर क्या होता है? फिर उसमें उनका रिप्रोडक्शन चलता है, वर्म्स का रिप्रोडक्शन चलता है। ओके, उसको सॉफ्ट बनाते हैं गोबर को, तो वो गोबर को सॉफ्ट बनाते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है? ये 2 मंथ्स यानी 60 डेज का प्रोसेस होता है। ओके, और फिर 60 डेज के बाद जो कि वो जो गोबर है, जो काउडंग है, वो सॉफ्ट होता है। उसको हम उठा के उधर लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हो? अंदर शेड में। अच्छा, आप एरिया में जो पैकिंग एरिया, ग्राइंडिंग एरिया में लेके जाते हो जो ग्राइंड होता है। ओके, ये सॉइल का बेनिफिट क्या है? ये सॉइल का बेनिफिट जो होता है, जो जो अपन जो पेड़ प्लांट्स लगाते हैं, वो अगर 3 महीने में आता है इसको डालने के बाद, वो 1.5 या 2 महीने में ऊपर आ जाता है। तो 60 डेज के बाद जो सॉइल जो प्योर होता है, फिर क्या करते हो इसके बाद? वहाँ से यहाँ स्टॉक करते हैं, ये स्टॉक हाउस में डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद में जैसे रिक्वायरमेंट आता है, हाँ वैसे अपन इसके अंदर ग्राइंडिंग करके। तो मतलब पूरा जो उसका जो व्हाटएवर है प्रोसेस, वो बाहर आ जाता है यहाँ पर, और अच्छा मिट्टी यहाँ पे आ जाता है। मिट्टी नहीं, वर्मी कंपोस्ट। ओनली वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद एक प्रोसीजर में वहाँ से अपन पैकिंग करते हैं। पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। ओके, सो यू सी द डिफरेंस, विच आई कॉल इट द गुड सॉइल। The soil requires good. This is the good vermi compost, and this is the bad vermi compost, which is the bad soil. जब वर्मी कंपोस्ट अपन पैकिंग करते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है इसका। मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है इसके लिए। इसके अंदर अपन ट्राइकोडर्मा इस बैक्टीरिया ये डालते हैं इसके अंदर। ओके, इसको मिक्स करने के बाद इस मॉइस्चर, फिर इसको अपन पैकिंग करते हैं इसके अंदर 40 kg का बैग करते हैं। ओके, इसके बाद में पैकिंग होने के बाद मेरे पास अभी फिलहाल 650 बैग पैकिंग है। 650 बैग्स आर ऑलरेडी पैक। ओके, क्या बात है। सो यू नो व्हाट, इट्स रेनिंग हियर, यहाँ पे बारिश हो रही है। वी आर इन नासिक, ब्यूटीफुल वेदर। वर्मी कंपोस्ट, ये जो सॉइल हमने डाली है यहाँ पे, जो इन्होंने डाली है यहाँ पे, वीव गॉट अ ब्रिंजॉल प्लांट। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो बैंगन का प्लांट है, दिस इज वेयर ब्रिंजॉल कम्स। तो बताइए, ये आपने कितना टाइम लिया ये प्लांट को ऊपर आने? इसको हमने लिया 1.5 महीना। 1.5 मंथ में। ओके, और इसका ग्रोथ, हाँ, कुछ भी रासायनिक जो है तो होता है मार्केट में, हाँ, जो भी रासायनिक खत होता है, हाँ, उसको कुछ भी नहीं डाला है। प्योर एंड प्योर वर्मी कंपोस्ट ओनली, बाकी कुछ भी नहीं। प्योर एंड प्योर वर्मी कंपोस्ट इज व्हाट वी हैव पुट, एंड लुक एट द प्लांट। The real people of our nation are right here, and trust me, they are making this world a green world, a healthy world. We say go green because the real people of our nation. You know what? I'm going to run from the screen, but before I run from the screen, you got to like, share, subscribe, and hit the bell icon. You got to like, share, comment, subscribe. This is a green nation, a healthy nation, because a 3, 2, 1, yeah!